आप सबको स्वागत है। आज हम 10 जुलाई की शुभदान की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। परमात्मा पिता चाहते हैं कि हम फादर ब्रह्मा, प्रजापिता ब्रह्मा, जो हम सब आत्माओं के पिता हैं, लेकिन उनका भी पिता है परमपिता परमात्मा शिव बाबा। तो परमात्मा शिव बाबा, फादर ब्रह्मा या प्रजापिता ब्रह्मा जैसा हमें बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि परमपिता परमात्मा का कोई शरीर नहीं है, तो वो हमें हर दिन के कर्म 100% दिखा नहीं सकते हैं। इसलिए वो फादर ब्रह्मा को ही आगे रखते हैं कि क्योंकि ये तुम्हारे साथ रहते हैं, तुम्हारे संग रहते हैं, तुम्हारे जैसे जीवन बिताया है। घर बार था इनका, मेरा तो घर बार नहीं है, मेरे कोई बच्चे नहीं है, फिजिकल बच्चे। तो आप इनको देख करके फॉलो करो और यही समझो कि मैं इनको जो गाइड कर रहा हूँ, इनको मैं गाइड कर रहा हूँ कि जीवन कैसे जीना है। और ब्रह्मा के आचरण, जिसको कहते हैं ब्रह्माचार्य, ब्रह्मचार्य सिर्फ सेलिब्रेसी नहीं होता है, ब्रह्मा के आचरण में चलना, मतलब कि फर्स्ट क्रिएटर ऑफ दुनिया का परमपिता परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा जब क्रिएशन करते हैं, तो वो क्रिएशन से किस चीज की करते हैं? वो करते हैं सत्ययुग, मतलब कि सत्य युग आज हो गया, कल युग भ्रष्टाचारी युग हो गया है। तो भ्रष्टाचार को हटा करके ब्रह्मा के द्वारा फिर से श्रेष्ठाचारी दुनिया को रचना। कब रचेंगे? कोई चीज को आप कब साफ करते हो? जब वो चीज गंदी या मैली हो जाती है, राइट? तो परमात्मा भी कब इस दुनिया को साफ करेंगे? जब ये दुनिया गंदी मैली हो जाती है, जब बाकी धर्म की आत्माएं आकर के भी, चाहे वो इस्लाम धर्म हो, चाहे बुद्धिस्ट धर्म हो, चाहे वो कृष्ण धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे संन्यास धर्म हो, वो सब कुछ होते हुए भी जब दुनिया में सुख शांति समृद्धि और श्रेष्ठाचार्य नहीं होता है, तो परमात्मा को खुद आना पड़ता है। क्या सिखाने के लिए? कि श्रेष्ठ कब बन सकते हो? जब अपने आप को आत्मा समझो, शरीर को भूलो, शरीर की चीजों को भूलो, शरीर समझना बंद करो, शरीर की इच्छाओं को त्यागो, तब जाकर के इस दुनिया में शांति आएगी। पांच तत्व भी शांत और शीतल होंगे, लेकिन अगर हमें ये चाहिए, वो चाहिए और चाहिए चाहिए कर करेंगे, तो ना पांच तत्व शांत हो पाएंगे, क्योंकि आप उसको ओवर यूज कर दोगे और आप अपने लिए ही सोचोगे, औरों को आप भूल जाओगे। तो ब्रह्मा के आचरण में चलना मतलब औरों को आगे बढ़ाना। और आज हम यही सीखते हैं, अपने कर्म और स्थिति द्वारा ब्रह्मा बाप को स्पष्ट दिखाने वाले मास्टर ब्रह्मा बाबा। मास्टर ब्रह्मा भवा मतलब कि ब्राह्मण कौन होते हैं, वो पता चलता है कि हम जब ब्रह्मा के आचरण से चलते हैं। तो जैसे ब्रह्मा बाप का निजी संस्कार था पहले आप, ये पहले आप मतलब हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर सोचते हैं कि पहले आप मतलब क्या, कुर्सी में बैठने के लिए उनको पहले दे दो, या खाने की लाइन में लगा हुआ है तो उसको पहले दो, अच्छा बैंक की लाइन में कोई लगा हुआ है उसको पहले दो, अच्छा कोई बूढ़ी माता है, कोई प्रेग्नेंट है, तो उसको चेयर पर पहले बैठा दो, वो सब ठीक है। लेकिन पहले आपका मतलब है ये स्पिरिचुअल जर्नी में किसी को आगे बढ़ने देना। इवन दो आप अगर 20, 30, 40 साल पुराने हो स्पिरिचुअल जर्नी में, लेकिन आपको कोई लगता है कि कोई आगे बढ़ सकता है स्पीड से, तो आप पहले उसको अलाउ करते हैं कि वो व्यक्ति, वो आत्मा आपसे भी आगे बढ़े, आपसे भी आगे जाए। और किसी को आगे बढ़ाने में ही परमात्मा पिता कहते हैं कि आपका खुद का आगे बढ़ना है, ये बहुत बड़ा राज है। तो परमात्मा कहते हैं जैसे ब्रह्मा बाप का निजी संस्कार था पहले आप, कोई भी स्थान में पहले बच्चे, है ना, प्रजापिता, सारी विश्व की 800 900 करोड़ आत्माओं का पिता आदम, आदम मतलब ब्रह्मा है, हर बात में बच्चों को अपने से आगे रखा। ब्रह्मा बाबा पीछे रहे, उनको कोई पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए थी, उनको कोई ये नहीं चाहिए था कि लोग उनकी वाह वाह करें, वो पीछे रहे और उन्होंने माताओं को, बहनों को, भाइयों को आगे बढ़ा कि आप जाओ सेवा में, आपका नाम हो, आपकी शान हो, आपके लोग वाह वाह करें, लेकिन मुझे कोई वाह वाह की जरूरत नहीं है। ब्रह्मा कुमारी इसका सारा ज्ञान ही इसके ऊपर, मुझे कोई पॉपुलर नहीं होना है, मुझे कोई भीड़ नहीं इकट्ठी करनी है, मुझे कोई फॉलोअर्स नहीं बनाने हैं, मुझे सिर्फ परमपिता परमात्मा का जो सत्य वचन है उसी को आगे बढ़ाना है बस। फिर बाकी वो पॉपुलर हो जाए हो गए, उससे कुछ मतलब नहीं, उससे कोई अभिमान नहीं आना, उससे कोई ये नहीं होना कि मेरे इतने पॉपुलर फॉलोअर्स हैं, मेरे इतने लोग हैं फॉलोअर्स, या मेरे को इतने लोग पहचानते हैं, मुझे इतने लोग जानते हैं, मुझे इतने लोग मानते नहीं। माने किसको? परमात्मा को। पहचाने किसको? परमात्मा को। फॉलो किसको करें? परमात्मा को। अपने फॉलोअर्स नहीं बनाने। परमात्मा कहते हैं मुझे ब्रह्मा जैसे फॉलो करना है, मुझे ब्रह्मा जैसे अपने को पीछे रखना है, लेकिन कहने मात्र नहीं, शुभ चिंतक की भावना से। सिर्फ कहना नहीं कि मुझे औरों को आगे बढ़ाना है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं कि मैंने तो इसको आगे बढ़ाया या आगे बढ़ गया, ये कहना भी गलत हो गया। कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि लोगों को देखते हैं कि कोई नया आया है, कोई जूनियर आया, उसको आगे बढ़ाते हैं, बोलते हैं कि देखो मैं ना होता तो ये आगे कहाँ बढ़ता, ये भी गलत हो गया, ये भी मान हो गया। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं कि देखो इसको मैंने आगे बढ़ाया, इसको मैंने आगे चांस दिया आगे बढ़ने का, इसने जो आइडिया दिया था उसमें सपोर्ट किया, लेकिन इसने मेरे को इंक्लूड ही नहीं किया इसमें, इसने मुझे बुलाया ही नहीं, इसने मुझे पूछा ही नहीं, तो ये भी आगे बढ़ाना नहीं हुआ, ये भी मैल हो गई, ये भी मिलावट हो गई। तो सच्चा जो होगा आगे बढ़ाने वाला, वो कभी अपने लिए कोई इच्छा ना रख करके और को आगे बढ़ाएगा। तो शुभ चिंतक होगा, शुभ चिंतक की भावना से, उसने किया तो भी बाप की सेवा,
मैंने किया तो भी बाकी सेवा, है ना, मुझे इन्वॉल्व किया नहीं किया, मुझे पूछा नहीं पूछा, मुझे थैंक यू बोला नहीं बोला, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। उसने किया परमात्मा की सेवा, मैंने किया परमात्मा की सेवा। दूसरों को आगे बढ़ाकर आगे बढ़ो, अपने जीवन में आगे बढ़ो, किसी के पार्ट को देख करके अटक मत जाओ, वो क्यों आगे बढ़ रहा है, मैं क्यों नहीं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं पुराना हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैंने ही सब कुछ करना चाहिए था, मेरे को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए थी, मेरी वजह से उनको ये आइडिया मिला, मेरी वजह से उनको आगे बढ़ाया, मैंने उनको वो कॉन्टैक्ट दिया था, मैंने उनको वो पहचान दी थी। और परमात्मा कहते हैं इसी में हम फंस जाते हैं और हम आगे नहीं बढ़ पाते, हम वहाँ अटक जाते हैं। एक्चुअली जब ये भावना हर एक में आएगी तब कहेंगे मास्टर ब्रह्मा, फिर ऐसा कोई नहीं कहेगा कि हमने ब्रह्मा बाप को नहीं देखा, कि लोग आपको ही देख करके बोलेंगे कि ये तो ब्रह्मा बाप जैसे हैं और को आगे बढ़ाने वाले हैं, हमें ऐसे कभी फील नहीं हो रहा है कि ब्रह्मा बाबा ने तो शरीर छोड़ दिया, हम उनको कभी मिल नहीं पाए। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि आप ही ब्रह्मा बाप के जैसे बनो ताकि लोग आपके थ्रू ही ब्रह्मा बाप को पहचाने, आपकी स्थिति ब्रह्मा बाप को स्पष्ट दिखाए कि हमारे आचरण जो है वो परमात्मा पिता के पहले बच्चे ब्रह्मा को दर्शाएं कि परमात्मा पहला बच्चा कैसे था, मैं नहीं, आप। तो परमात्मा ये सिखाते हैं ब्रह्मा कुमारी, इसमें हर कोई इस ज्ञान को ले सकता है, आगे बढ़ सकता है। ओम शांति सत्य।